बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के रहमत फजल और शुक्र के साथ आज का विलास हम शुरू करते हैं। तो यू नो ब्रदर, आज का वीडियो प्ले कुछ ऐसा है, पाकिस्तान में देखे ना सरे आम फायरिंग करके बंदा कैसे एकदम से पुलिस की गाड़ी खड़ी है और वो बाइक पे बैठ के भाग जाता है। ये देखिए पाकिस्तान में ऐसा निजाम हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ऐसे ही लगता है माशाल्लाह माशाल्लाह के हमारे जो हुक्मरान साहब है इमरान खान साहब वो तो बिल्कुल चूतिया निजाम बना चुके हैं उधर, और कोई उधर का निजाम नहीं है, बिल्कुल निजाम खराब हो चुका है। नो आई थिंक उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा निजाम करना चाहिए। वीडियो में बंदा फुल शो हो रहा है, पता लग रहा है वीडियो में कि वो क्या कर रहा है, कैसे उसने फायर किया, कैसे वो फिर भाग गया। तो यार आई थिंक पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई सिक्योरिटी का या कोई ऐसा वैसा कोई मसला रह चुका है, समझ से बाहर है यार बात। तो मेरा ख्याल है वो जिस इलाके का या जिस भी मोहल्ले का जिस शहर का गाँव का वो बंदा है उधर का नाज़म उधर की पुलिस उधर के निज़ाम उधर का माहौल अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, पत्ती ग्रीन पत्ती चलती है उधर, ठीक है, पैसा दे कर तो फिर बंदा बाहर आ जाएगा। कम से कम उस बंदे की मैं अभी गाली नहीं निकालना चाहता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये गालियां डकी भाई और भोला रिकॉर्ड उनके लिए हैं, बस जैसे ही उनकी वीडियो वो करेंगे कुछ भी करेंगे तो आपका भाई गालियाँ निकालेगा, सिर्फ भोला रिकॉर्ड और डकी भाई इनके सख्त खिलाफ हूँ मैं, जो कि पीसा वार्ड इस वक्त लेके तो बड़े इस वक्त पीसा वार्ड के साथ वो अपने आप को बहुत बड़े यूट्यूब स्टार समझते हैं। सुनो हमारा दोस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिग फैन पीटी जी, और पीटी जी वालों की वजह से आज भोला रिकॉर्ड अगर कुछ बन गया, अगर वो बार बार कहता है कि मैं रैपर हूँ मैं ये हूँ मैं सिंगर हूँ मैं वैपर हूँ, वो वैपर वैपर ही है रैपर नहीं है ब्रदर। ये सारा कमाल मिर्ज़ा नैनी उसामा भाई मिक्सम भाई यू नो उनका कमाल है जो उन्होंने उसको रैपर बना दिया, लेकिन वो तो वैपर है भाई। लेकिन जब जब वो गालियां निकालेंगे आपका भाई इसी तरह ही उनके साथ बिहेव करेगा, गालियां निकालेगा। और सबसे बड़ी बात, टॉपिक चेंज हो रहा था यार, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में जैसे उस बंदे ने फायर किए और पुलिस के सामने ही भाग जाता है, इट्स नॉट फेयर ब्रो, ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा पुलिस के सामने ही फायरिंग करता है और भाग जाता है, कैसे हो सकता है यार। जनाब जैसा कि वीडियो में आपको मैंने दिखाया कि एक बंदा फायरिंग करता है और हमारी पंजाब पुलिस चुप करके हाथ पे हाथ धर के बैठी और बंदा बाइक लेके वो शूं भाग गया, तो यार इसके बारे में कुछ सोचें। वीडियो में साफ बंदा नज़र आ रहा, वीडियो बनाने वाला पुलिस के सामने है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये है जी हमारा अंधा कानून पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ वाला है, लानत है ऐसी तहरीक इंसाफ पे। जो हकीकत बात है हर बंदा खाने पीने से तंग आ चुका है, आज का वीडियो प्ले आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी इसी तरह ही आपको मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।